हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, एसिड्स क्या होते हैं इनको हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद एसिड्स। तो हम आज बात करेंगे एसिड्स के बारे में। व्हाट आर एसिड्स, ये होते क्या है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये चीज हम यहाँ पे समझेंगे, क्या इनके टाइप्स होते हैं ये समझते हैं। तो एसिड्स की क्या बेसिक डेफिनेशन थी, ये आपने पहले 10 से पहले भी आप पढ़ते हैं। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सार इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। अगर हम बात करें तो एसिड की सिंपल डेफिनेशन हुआ करती थी, है ना, दीज आर द सब्सटेंस, दी आर द सब्सटेंस दैट आर सार इन टेस्ट, दैट आर सार इन टेस्ट। सार मींस खट्टा, ठीक है, सार इन टेस्ट। और एक और चीज हुआ करता था, एंटर्स ब्लू लिटमस रेड। अब अगर हम बात करें तो एक लिटमस करके एक हमारा इंडिकेटर हुआ करता है, ठीक है। तो उसको अगर उसमें वो दो टाइप में आता है, एक रेड हो गया और ब्लू हो गया। तो अगर हम ब्लू लिटमस में एसिड को डाल देते थे तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन थी। तो एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर सॉलिड टेस्ट, टेस्ट के अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में तो वो सार होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते थे, ये हमने नॉर्मल डेफिनेशन हम पढ़ते थे। अब हम आगे हैं 10th में, तो थोड़ा हाई लेवल चले जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। तो अब क्या हुआ, इन्होंने देखा डेफिनेशन, उन्होंने एक और चीज देखी कि जो आपके एसिड्स होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का आयन बनता है जब भी हम उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं। क्या होता है आपको एक समझाते हैं। अगर हम कोई एसिड लेते हैं, एसिड को हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं डिसोसिएशन। क्या होता है, जो एसिड होता है ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ये अपने आयंस में। आयंस क्या होते हैं समझते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एसिड का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें एक तो H प्लस अलग टूट जाता है और Cl माइनस हो जाता है। तो ये जो प्लस और माइनस जो बने हैं उन्हें कहते हैं आयंस। और इस मतलब मेथड को, ये जो या फिर कह सकते हो एसिड को जब पानी में डालते हैं, इस प्रोसेस को आयनाइजेशन भी कहते हैं। तो आयनाइजेशन या डिसोसिएशन अगर हम किसी भी एसिड का करते हैं तो उसमें H प्लस आयन आपको मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके ऊपर एक डेफिनेशन बना दी। इन्होंने बोला भैया एसिड को जब हम वाटर से डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन से क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे हमेशा एच प्लस आयन। समझ आया। तो इससे इन्होंने नई डेफिनेशन बना दी, दैट इज उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये चीज प्रोसेस होता है तो लिख देते हैं। तो क्या होता है, एसिड्स आर द सब्सटेंस, आर द सब्सटेंस दैट गिव्स एच प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वॉटर। अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन देगा, एच प्लस आयन। और इस प्रोसेस को कहते क्या है, जब एसिड को पानी में डालते हैं और वो आयन से टूटता है, इसे कहते हैं आयनाइजेशन, ठीक है, वो हम लिखवा देंगे। तो अभी हम बात करें तो एसिड्स क्या हो गए, यहां से एसिड्स की डेफिनेशन मिल गई कि ये क्या करते हैं, एच प्लस आयन देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सारे एसिड है। अगर मैं इनको वाटर में डालता हूं, वाटर से मिक्स किया तो इनमें क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, जो हमने अभी प्रोसेस बताया, या आयनाइजेशन हम कहते हैं उसे, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनाइजेशन लिख लीजिए या डिसोसिएशन कर लीजिए, दोनों में सब में सेम है, ठीक है। तो HCl क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस। HCl में H क्या होगा, प्लस, Cl माइनस।
ऐसी H2SO4 में क्या होगा, H प्लस दो बनेंगे और SO4 टू माइनस, ठीक है, ऐसी H प्लस NO3 माइनस। तो आप देखो इसमें भी H प्लस आयन बना, इसमें भी H प्लस आयन बना और इसमें भी H प्लस आयन बना, तीनों में H प्लस आयन बना है, ठीक है। तो अगर देखिए ये अगर आप H से ले लीजिए H प्लस आयन, H2SO4 H प्लस आयन, HNO3 H प्लस आयन, तो कोई भी आप एसिड को आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसमें H प्लस आयन बन रहा है। तो यहां से एक डेफिनेशन आती है, जो एसिड्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें H प्लस आयन निकलते हैं। तो यहां से एक और डेफिनेशन हमें अभी वाली यूज करनी है, दिस एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन देते हैं। क्लियर, समझ आ गया। तो ये आपका एसिड का बेसिक डेफिनेशन आता है यहां से। पहले हमने बात कर दी, पहले क्या था, जब हम अगर ज्यादा एसिड केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कवरी था, नॉलेज नहीं था, तो हमने सीधा बात करी, ठीक है। तो टेस्ट हम करते थे, हम टेस्ट करते थे और हमने एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक सॉल्यूशन बना रखा था, लिटमस सॉल्यूशन, तो उसमें हम डालते थे, बता देते थे कि कौन सा एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये चीज हुआ करती थी। अब क्या है, अब हम अच्छी तरह साइंस को पढ़ चुके हैं, अब और अच्छी तरह से हमें एक अंडरस्टैंडिंग है। तो हमने देखा कि भाई ये जो है एसिड्स है ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें H प्लस आयन निकलता है। तो जो भी सब्सटेंस आपको H प्लस आयन दे रहा है वो एक टाइप से एसिड है। क्लियर, समझ आ गए। चलिए तो ये आपका एसिड हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हमने बताया पानी में डिसॉल्व करने का एसिड को और वो आयन्स बना देते हैं, तो इसको आयनाइजेशन भी कहा जाता है या फिर हम कहते हैं डिसोसिएशन, दोनों में से कोई भी एक चीज आप कह लीजिए। क्लियर, चलिए यहां तक समझ आ गया होगा एसिड क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, बेसिक आइडिया हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड की टाइप्स, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड्स, एसिड्स के टाइप्स हम बात करते हैं, ठीक है। यहां पे हम जब बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन हुआ एसिड का। अब एसिड्स तो हमारे बहुत सारे मिलते हैं, तो उनकी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ, या फिर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड कह रहे हैं या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड कहते हैं। तो सबसे पहला कहते हैं, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से मिला उसके हिसाब से आपके एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, ये चीज हम समझते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, यहां आते हैं दो टाइप के, वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर इज इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक हम आजकल बहुत ज्यादा, ये जब से पॉल्यूशन लोगों को अवेयरनेस हुई है तो हम वेजिटेबल्स में भी हम बात करने लगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाइए। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जिसमें सारी चीज नेचर से मिलती है, क्लियर। उसमें हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मैनमेड फर्टिलाइजर्स, मैनमेड पेस्टिसाइड्स ये नहीं डाल रहे, तो नेचुरल सब कुछ हो, तो जो नेचर से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक, और जो हम क्या लैबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। क्लियर, तो ऑर्गेनिक में बात करें, द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ या जानवर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कहा जाता है। एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एक कॉमन एक आपने सुना होगा सिट्रिक एसिड, खट्टे फ्रूट्स में मिलता है ना। तो ये सब हम बातें अभी पढ़ेंगे, कौन कौन से एसिड किस चीज से मिलते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एक ऊपर ऊपर से, तो हमारे को जो एनिमल्स और प्लांट्स से जो एसिड मिलते हैं उनमें जो उनसे मिलते हैं उन्हें हम क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में कैटेगराइज करते हैं। क्लियर, इनऑर्गेनिक क्या होता है, ये जनरली इनको मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। इनऑर्गेनिक को अगर हम बात करें तो इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, These are the acids of
ऑप्टेन और प्रोड्यूस्ड इन लैबोरेटरीज ठीक है यूजिंग मिनरल्स हमारे आसपास बहुत सारे मिनरल्स हैं उनको यूज करके हम क्या करते हैं ऑप्टेन करते हैं लेबोरेटरीज में बना सकते हैं या ऑप्टेन करते हैं नेचुरली मिल जाते हैं मिनरल्स की जब हम मिनरल्स निकाल रहे होते हैं ऑप्टेन कर रहे होते हैं तब हमारे को ये मिल जाते हैं या फिर हम बात करें लेबोरेटरीज में हम क्रिएट करते हैं इन्हें तो ये क्या होते हैं आपके इनऑर्गेनिक होते हैं एग्जाम्पल इसके बात करें तो इसके एग्जाम्पल है आपके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बहुत सारे होते हैं ठीक है तो ये सारे क्या है हमें मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है क्लियर समझ आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो टाइप की क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है क्लियर चलिए अगली क्लासिफिकेशन देखते हैं ठीक है तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ठीक है अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के हिसाब से सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम बात करें स्ट्रेंथ अब कौन सी स्ट्रेंथ है ये ताकत तो वही ऐसा है नहीं केमिकल्स ही है तो यहां पे हम बात जब करते हैं स्ट्रेंथ में तो जो आपके आयंस बन रहे हैं उनको हम समझते हैं जो ठीक है तो आयंस क्या होते हैं बेसिकली अगर जब हम तो केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी रिएक्शन तेज होगी उतनी अच्छी तरह होगी फास्ट होगी रिएक्शन ठीक है इसी तरीके से अगर हमारा अगर सपोज करो आयंस ही नहीं बन पा रहे हैं कम आयंस बन रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी स्लो होगी उसे हम वीक कहते हैं क्लियर तो ऑन द स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ठीक है चलिए इसको समझाने से पहले हम वो टर्म्स की बात करते हैं आयनाइजेशन या डिसोसिएशन जो हमने बात करी थी है ना स्टार्टिंग में तो उसको समझते हैं होता क्या है आयनाइजेशन हम आयनाइजेशन जो बोल रहे हैं या डिसोसिएशन ये दोनों है क्या चीजें ये समझते हैं ठीक है क्या होता है वेल एसिड कह लीजिए बेस कह लीजिए और सॉल्ट तीनों के लिए होता है तो इससे तीनों को लिख देते हैं ठीक है आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस आयंस दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन इसे क्या कहा जाता है आयनाइजेशन कहा जाता है ठीक है आयनाइजेशन कहा जाता है या डिसोसिएशन कहा जाता है ठीक है अब क्या है यहां पे एक चीज समझनी है कैसे होता है देखो आपको हमने कराया था HCl तो ये गया H+ और Cl- So, अगर हम नमक की ले लेते हैं NaCl तो Na+Cl- तो ये आयन में टूटना इस प्रोसेस में कहा जाता है आयनाइजेशन समझ आ गया ठीक है तो ये आपका क्या है प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन होता है ठीक है चलिए तो ये आयनाइजेशन होता है तो अब हम बात करते हैं किसी प्रोसेस के ऊपर ये क्या है क्लासिफिकेशन है आयनाइजेशन के ऊपर या डिसोसिएशन के ऊपर वही चीज यहां पर आती है ठीक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं वो ज्यादा H+ आयन देते हैं या फिर हम कहते हैं उन्हें कंप्लीटली डिसोशिएट्स ठीक है तो क्या होता है द एसिड विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर जब इसको पानी में डाला गया तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं
है ना, कंप्लीटली या नियरली कंप्लीटली कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर रिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो इसे क्या डिसोशिएट हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ज्यादा रिजॉल्व होता है, एग्जाम्पल में बात कर लें, ठीक है, स्ट्रॉन्गली का एग्जाम्पल में हम याद रखना है, HCl हो गया, H2SO4, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, नाइट्रिक एसिड भी आता है, ये सब इसमें रहते हैं। वीक एसिड में आते हैं, वीक एसिड में क्या होता है, ये वो एसिड्स होते हैं जिनमें डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाता या कम होता है, ठीक है। द एसिड्स दैट डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, ठीक है, या इसलिए हम कहते हैं पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, ठीक है, पूरे ना होके पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, ठीक है। When dissolved in water, पानी में जब डालेंगे तो पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, वीक एसिड। एग्जाम्पल आप ले, ये आपका हो गया CH3COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या फिर आपका और आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी हम पढ़ी, आप पढ़ोगे आगे, है ना, जब हम कार्बोनेट कंपाउंड पढ़ेंगे तो इनके नॉमेनक्लेचर आएंगे, ये बेसिकली एक कोवेलेंट कंपाउंड वाले आपके कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वहां पे आपको इथेनॉइक एसिड होता है, ये इथेनॉइक एसिड पढ़ने को मिलेगा, ये होता है कार्बोनिक एसिड, दीज आर वीक एसिड्स, ठीक है। ये क्या होगा, जब भी आप एच, जब आप उसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो एच प्लस आयंस कम निकलते हैं, क्लियर, ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। अब एक क्वेश्चन ना राइज होता है, उसको समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये समझ आ गया होगा, ठीक है, इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन रहता है, उन्होंने बोला कि आपने, हमने कह दिया 2 गिलास लिए वाटर के, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, इसमें हमने डाला, हमने डाला इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें HCl डाला। तो एक क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं, ये जब HCl जाएगा तो ये H प्लस आयन बनाएगा और Cl माइनस आयन बनाएगा, हाँ है ना, ये तो बात सही है, हमने पढ़ी है कि जब HCl जाएगा तो H प्लस आयन बनाएगा और Cl माइनस आयन बनाएगा। यहां पे हम बात करते हैं, ये ले लेते हैं H2CO3, ठीक है, H2CO3 ये डालते हैं, ये जब जाएगा तो H प्लस आयन दो बनाएगा, एक कंपाउंड एक जब टूटेगा तो दो H प्लस आयन बनेगा और CO3 माइनस एक बनाएगा, इस तरह होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि ये वाला जो एसिड है ये एक एच प्लस आयन दे रहा है और ये वाला ज्यादा एच प्लस आयन दे रहा है, तो ये ज्यादा एच प्लस आयन दे रहा है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमने यहां पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन ये होती है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है या फिर ज्यादा एच प्लस आयन देता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। वीक एसिड जो होता है जिसमें कम एच प्लस आयन देता है वो वीक एसिड कहा जाता है, ये तो है, लेकिन यहाँ पे तो ये हम बोल रहे हैं वीक है लेकिन ये दे रहा है 2H+ आयन, ये एक है, मतलब आप यहाँ पे एक ही दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ऐसा कैसे, ये तो ऐसा होना चाहिए ना कि आपका दो हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है, ये रीजन समझते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिसोसिएशन का, जो हम डिसोशिएट वर्ड बोल रहे हैं ना, डिसोसिएशन का क्या कंसेप्ट है, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं सपोज करो इसके 100 मॉलिक्यूल डालता हूँ H+ आयन के, 100 मॉलिक्यूल H+ आयन के डालता हूं, तो ये जब HCl जब जाएगा अंदर तो इट इज कंफर्म कि इसमें अराउंड 40 या 30 से ऊपर 30-40 ऐसे जो भी है H+ आयन बनेंगे और ऐसी 40 Cl+ आयन बनेंगे, बाकी बचे हुए 60 HCl वो पानी में ऐसी ऐसे बिना डिसोशिएट का पड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं 40 डिसोशिएट हो रहे हैं तो इसका जो डिसोशिएशन हो रहा है वो अल्फा, मतलब ये क्या है, मान लीजिए 40% डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। तो आपको जब एक HCl डाला तो 40 H+ आयन मिल गए। यहां पे इसका जो डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है, ये डिसोशिएशन होता है बहुत कम होता है, 5%, 2%, 3% ऐसे होता है, चलो 5% ले लिया हमने, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये 5% डिसोशिएट होता है तो आपने अगर इसे वहां पे 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो यहां पे भी 100 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, डाल दिया आपने, तो 100 का 5% मतलब 5 मॉलिक्यूल्स, है ना, तो 5 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 5, 1 से 2 H+ निकल रहे हैं तो 10,
और जो बाकी बचे हुए जो सारे हैं वो एच प्लस इसकी फॉर्म में ही पड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये तो मैं तो बोल रहा हूँ कंप्लीटली हो रहा है। यहाँ पे तो और भी अलग गेम चल जाता है, ये जो है H2SO3 ये क्या हो जाता है, ये किस तरीके से H प्लस और HCO3 उसकी फॉर्म में रह जाता है। तो यहाँ पे तो टूटता भी नहीं है ये, है ना। तो अगर हम बात करें तो डिसोसिएशन ही कंप्लीट ना होते ही इस तरह से हो जाएगा और भी कम केस। ठीक है, तो 5% है तो ये 5 ही निकलेंगे बाहर, तो बहुत कम डिसोसिएशन है। तो आप इसको देखिए, ये इसका डिसोसिएशन मतलब ये पानी में घुलने के बाद कितने आयन टूट रहा है, ज्यादा है। ठीक है, इसका डिसोसिएशन ज्यादा होता है एसिड एसिड का, तो उनको सॉलिड कहा जाता है और स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। और जो जिनका डिसोसिएशन कम होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वीक एसिड्स कहा जाता है। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एक प्रोसेस होता है जब आप एसिड को पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, आयंस बनाता है, उसे आयनाइजेशन कह लीजिए, डिसोसिएशन कह लीजिए। अगर बात करते हैं कि अगर डिसोसिएशन की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इस अल्फा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है, जितना ही ज्यादा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो जब तक आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो ज्यादा रहेगा तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग में आएगा और नहीं तो वीक में आएगा। क्लियर हो गया, तो आपकी ये क्लासिफिकेशन समझ आई होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। क्लियर, अगली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अगली क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, कंसेंट्रेशन। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एंड एसिड, है ना, वीक। ये है डिसोसिएशन के ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं एसिड जो है ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड जो है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, कितना ज्यादा डाला हुआ है कंसेंट्रेशन, इसको समझाते हैं, इसमें क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, वन इज डाइल्यूट एसिड से कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड इज कंसेंट्रेटेड एसिड। देखिए, जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कोरोजिव होता है। कोरोजिव मतलब क्या होता है, बोला इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो क्या करेगा, एक एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा पावरफुल रिएक्शन क्रिएट कर देगा और उस रिएक्शन से इवन मेटल्स गल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें जब अगर लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस एसिड में थोड़ा वाटर डाल के या वाटर डाल के उसे हम डायल्यूट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डायल्यूशन कैसे होता है, वो समझते हैं। डायल्यूट करना पड़ता है इसे, जब हम एसिड की क्वांटिटी कम रख के वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रख देते हैं उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर देन द एसिड, वाटर इज मोर देन द एसिड, देन द एसिड, एसिड से ज्यादा होती है पानी की क्वांटिटी। ठीक है, जब पानी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा हो गया और एसिड कम हो गया तो उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। क्लियर, और जब उल्टा हो जाए, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज मोर देन वाटर, जब वाटर कम हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कंसेंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। आप एसिड सपोज करिए खरीदने गए एसिड, ठीक है, अब उससे आप कौन सा एसिड खरीदेंगे, डाइल्यूट खरीदेंगे या कंसेंट्रेटेड खरीदेंगे। आप पैसा जो पे करेंगे वो तो आप एसिड के लिए करोगे ना, तो जो एसिड होगा वो क्या होगा, कंसेंट्रेटेड ले हुए आप। ठीक है, तो आप हमेशा कंसेंट्रेटेड एसिड खरीदोगे, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करने आओगे तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे डाइल्यूट करना पड़ता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट करके, डाइल्यूट मींस उसकी कंसेंट्रेशन कम कर देते हैं, पानी ज्यादा डाल देते हैं उसमें। ठीक है, तो उसके क्या कहते हैं, उसे डाइल्यूट करके ही हम यूज करते हैं। आप लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स में आप डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, जनरली मैक्सिमम में डाइल्यूट एसिड का यूज किया जाता है। क्लियर, समझ आ गया। अब इसको समझ लेते हैं डाइल्यूशन होता कैसे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है कि वाइवा टाइप क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तरीका है, आपको आपसे पूछा जाएगा
कि दो चीजें हैं, अगर हम बोलते हैं ये हमने यहां पे क्या रख दिया, एक बीकर में एसिड रख दिया, एक बीकर में एसिड रख दिया और एक बीकर में वाटर रख दिया, ठीक है। हमें हमें पता है डाइल्यूशन क्या होता है, इन दोनों का मिक्स करना, इन दोनों को मिक्स करना। तो कौन सा तरीका सही रहेगा, वाटर को एसिड में डाल दीजिए या एसिड को वाटर में डाल दीजिए, कौन सा तरीका है जो कि यूज किया जाना चाहिए किस कंसंट्रेशन को, मतलब कंसंट्रेशन को कम करने के लिए या हम कह सकते हैं डाइल्यूशन करने के लिए, कौन सा तरीका सही है, ठीक है। एसिड को वाटर में डालेंगे या वाटर को एसिड में डालेंगे, तो वो समझना है ये कौन से केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट समझना है, जब भी हम डाइल्यूशन जो कहते हैं तो हमें यहाँ पे पॉइंट समझिए, है ना, जो हम इसे कहते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक। अभी होता क्या है एक्सोथर्मिक, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड या हीट इज गिवन आउट, वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है बाहर। तो जब हम एसिड और पानी को मिलाते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है, हीट निकलेगी बाहर, और जब हीट निकलेगी तो यहां प्रॉब्लम देखिए क्या होगा। अगर सपोज करिए मैंने वाटर को डाल दिया सीधा एसिड में, भाई साहब डाल दिया, कंसेंट्रेटेड एसिड है, बहुत पावरफुल एसिड, आपके कपड़ों में गिरेगा, जला देगा, स्किन में गिरेगा, सीवियर बर्न्स कर देगा, बहुत गलत प्रॉब्लम है। आपने डाल दिया एसिड क्वांटिटी ज्यादा में है, वाटर कम डाल लिया, है ना, वाटर डाल रहे हो। अब डालोगे जैसे ही आप वाटर को, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, हीट निकलेगी, बबल्स निकलेंगे, और वाटर क्या है आप डाल ही नहीं पाए पूरा, इतने में क्या होगा एसिड स्क्वैशेस करके, मतलब छींटों की तरह आपके स्प्लैश करके आपके पूरी बॉडी स्किन ऐसे गिर सकता है आपके ऊपर और आपको डैमेज कर देगा, समझ आया। तो जब मैं वाटर को इसमें डालूंगा पोर कर दूंगा तो इसमें से स्क्वैशेस निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, धमाका सा होगा, आसपास के लोग जल जाएंगे, हाथ हाथ में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी वजह से कभी भी ये नहीं करना है, वाटर को कभी भी सीधा एसिड में नहीं डालना है, कंसेंट्रेटेड एसिड में, क्लियर। तो इसका क्या है तरीका, अब उल्टा ही ऑप्शन बचा है ना, एसिड को वाटर में डाल दो, यस, लेकिन इसको भी डालने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि डाल दिया एकदम से, डाल दिया तो फिर से वही होगा, रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक उछाल देंगे। तो इसको जनरली क्या करते हैं, इसमें एक यूज करते हैं स्टीरर, एक ग्लास की रॉड होती है उसको स्टीर करके यूज करते हैं, और इसको बहुत स्लोली स्लोली इस ग्लास की स्टीरर के पास डालते हैं, ठीक है, आप ऊपर से स्टीर करते रहोगे हल्का हल्का, और हल्के हल्के एसिड को वाटर में मिक्स करोगे, स्लो प्रोसेस करना है आपको। इसमें हमारे पास क्या है, अब हम एसिड को डाल रहे हैं, सपोज करो हमें लगा कि भैया स्क्वैशेस उछलने वाली, ये सब होने वाला है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, एसिड की क्वांटिटी को कट ऑफ कर दो, एसिड डालना बंद कर दो, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो उस टाइम पे कंट्रोल हमारे पास है, एसिड को हम हल्के पोर करते हैं इस तरीके से, क्लियर। तो एसिड इज ऑलवेज पोर्ड इन वाटर, नॉट वाटर इज ऑन एसिड, ठीक है, ये नहीं तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये होता है हमारा एसिड का एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, दैट इज कौन से हो गए आपके, वन इज आपका कंसेंट्रेटेड एसिड और वन इज वीक एसिड, वो डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है, क्लियर। आप जनरली एक्सपेरिमेंट में डाइल्यूट यूज करेंगे पहले, ठीक है, डाइल्यूशन हमने समझ लिया कैसे करी जाती है, वो चीज होगी। अब हमने बात करते हैं सम नेचुरल एसिड्स या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स हम बात करते हैं, तो कभी ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ये आपको एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करेंगे यहां पे हम एसिड, ठीक है, चलिए। तो हम एसिड लिखते हैं, ठीक है, कहां पे पाया जाता है उसको समझते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं, ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सैलिक, टार्टरिक, लैक्टिक, है ना, ये आगे फाइव हो गए, क्लियर।
तो अब कहां कहां पाए जाते हैं ये चीज हम समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सैलिक एसिड ये आपको जनरली पाया जाता है टोमेटोज में, ठीक है, टोमेटोज में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड ये आपको इमली जो होती है ना, टैमरिन, टी ए एम आर टैमरिन, इमली, इमली में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं आपके, मिल्क में हो गया या फिर कर्ड में हो गया, हम इसमें बात करते हैं, तो हमारे को कौन सा मिलता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में भी क्रिएट होता है जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये लाइफ प्रोसेस में पढ़ा जाता है ना, तो रेस्पिरेशन जब एनएरोबिक होता है तो उसमें एक लैक्टिक एसिड भी क्रिएट होता है। सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड हमने पढ़ा है, हमने सुना भी होगा, सिट्रिक फ्रूट्स, तो लाइक ऑरेंजेस, आंवला, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं हमारे पास, माल्टा है आपका, ठीक है, लेमन है, ये सारे इसमें आते हैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज ये आपको मिलता है स्टिंग्स में, स्टिंग्स मतलब जब डंक लगते हैं, ये जैसे बी का हो गया है ना, बी या एंट हो गया है ना, जब आपको मधुमक्खी ने काट दिया या चींटी ने काट दिया तो होता है। एक और होता है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड ये हमें जनरली मिलता है आपने विनेगर जो हम लेते हैं, विनेगर चौमिन बनती है तो उसमें विनेगर डलता है, तो विनेगर, तो ये आपके एसिडिक एसिड, ये आपके कुछ एसिड्स हैं जो कि पूछे जाते हैं आपसे कि कौन कौन से एसिड्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें पाए जाते हैं वो हमारे को यहां से पता लग गया, क्लियर। तो इस तरीके मतलब ये जो एसिड है ये हमारे को यहां तक समझ आया, तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा एसिड क्या होता है, उसके अलग अलग मतलब टाइप्स क्या होते हैं, ये चीज हमें समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम उसको केमिकली रिएक्ट कराते हैं तो एसिड क्या क्या रिएक्शन शो करता है। चलिए फिर आज के लिए इतना करते हैं, ओके।